योगः कर्मसु कौशलम्। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डॉक्टर यजुवेंद्र सिंह जेठपा वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज दिस सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन द प्रेजेंट कंडीशन विद द प्रोफाउंड सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आई एम थैंकफुल टू यूजीसी एचआरडीसी ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर प्रोवाइडिंग मी द प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विथ ऑल ऑफ यू टू डिस्कस Today's topic on review of related literature, strategies and tools. I am also thankful to Professor Dr. Jagdish Joshi sir, Director, UGC HRDC Gujarat University. We all know that it is under his able guidance and initiative, the UGC HRDC of Gujarat University is a pioneer and created history by organizing the first of its kind online refresher course in India. In which more than 2,500 participants got benefited. I am also thankful to Dr. Parikshit Singh Mandora sir, coordinator of this online refresher course in physical education, and the co-coordinator Dr. Jignasa Vaghela madam for their constant and wonderful coordination with me during the entire course. So, with this, let's start. With today's discussion on review of related literature, its strategies and tools. So, in this session, we are going to discuss about what is review of related literature, objective, purpose and importance of review of the related literature, sources of the literature, basic literature search strategies and writing the review of related literature. We will also discuss and demonstrate some of the reference managers or tools like Mendeley, Zotero, Google Scholar. These tools will make the tedious and strenuous task of review of related literature easy while working on any of the research projects. So, let's first of all discuss about what is review of related literature. As most of the time I say that there is nothing new under the old sky. आज हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर टॉपिक के ऊपर जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं ऐसा नहीं है कि ये हम पहली बार डिस्कस करने वाले हैं ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हम पहली बार फेस करने वाले हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्म में ये जो भी टॉपिक्स या जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी टूल्स जो भी स्ट्रेटेजीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वन और द अदर वे में हम उनसे पहले भी एनकाउंटर हुए हैं हमें सिर्फ ज़रूरत है उसको उसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी को समझने की उसको सही जगह पे यूटिलाइज करने की और उसको सही जगह पे उसको एग्जीक्यूट सो एट द बिगिनिंग ऑफ आवर टुडे सेशन एज वी हैव डिस्कस्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर अगर हम लिटरेचर के लिटररी मीनिंग को समझें तो लिटरेचर का जनरल टर्म में अनुवाद हम साहित्य के तौर पर समझते हैं लिटरेचर इज रिलेटेड विथ वर्क ऑफ आर्ट लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का अर्थ आमतौर पर जिस किसी भी टॉपिक के साथ जिस किसी भी रिसर्च एरिया में हम कार्य कर रहे होते हैं उससे जुड़े हुए कोई भी पहलू के साथ पहले कोई भी कार्य किए गए हो उससे जुड़े हुए संदर्भ साहित्य के अभ्यास को हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहते हैं जिसके अंदर आमतौर पर हम उससे जुड़े हुई जानकारी फैक्ट इंफॉर्मेशन मेथड टूल्स ये सारी डिटेल्स को हम इंक्लूड करते हैं लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज नॉट जस्ट एन एनअपडेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द लिटरेचर यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं अवेलेबल लिटरेचर जो भी हमारे साहित्य से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन है उसका हमें सिर्फ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं करना है बट रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज मोर समथिंग देन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स अगर हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की बात करें तो उसके अंदर जिस किसी भी फील्ड से या जिस किसी भी रिसर्च टॉपिक के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं उससे जुड़े हुए जो भी रिव्यूज हैं उससे जुड़े हुए जो भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है उसके जो भी फुल रेफरेंस है उसको इंक्लूड किया जा सकता है
उससे जुड़ी हुई बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसको आमतौर पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में इंक्लूड किया जाता है। जिस किसी भी वर्क के ऊपर कार्य कर रहे हैं उसकी साइटेशन की जो डिटेल्स है, साइटेशन के जो सोर्सेज है, या उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो भी कार्य किया जा रहा है उसके समथिंग क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रूशियल एस्पेक्ट्स है, उसकी ब्रीफ समरी है, उस सारी चीजों को हम अपने एनेक्डोटल रिकॉर्ड के रूप में जानते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज समथिंग मोर देन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। हमें यहां पर सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हम उसका सिस्टमेटिक वे से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और वो पर्टिकुलर हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के साथ, हमारे रिसर्च टॉपिक के साथ किस हिसाब से जुड़ा हुआ है और हमारे रिसर्च टॉपिक को किस हिसाब से हेल्प करता है, वो सारी जानकारी भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के अंदर इंक्लूड की जाती है। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट एनेक्डोटेड रिकॉर्ड इज नॉट इनफ फॉर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो यहाँ पर हम लोग एनेक्डोटेड रिकॉर्ड और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। जब भी हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट सिंथेसिस ऑफ ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मेथड, टूल्स एंड अदर थिंग्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस टू अवर प्रॉब्लम। हम यहाँ पर एक बहुत ही जो सिंथेसिस वर्ड है उसके ऊपर एम्फेसाइज दिया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो सिंथेसिस है, इट इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग द सेपरेट आइडियाज, द सेपरेट बिलीव्स एंड स्टाइल्स, एंड इट इज समथिंग नॉट जस्ट अ सिंगल आइडिया एंड सिंगल बिलीफ। जब भी हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के कार्य के अंदर सिंथेसिस की बात करते हैं, तो सिंथेसिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट लिस्टेड लिटरेचर। हमें यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि जो भी इंटरनेट के ऊपर या जो भी लाइब्रेरी के ऊपर अवेलेबल लिटरेचर अवेलेबल हो रहा है उसकी पूरी लिस्ट तैयार कर दी। हमें हमारे रिसर्च टॉपिक के साथ जुड़े हुए आर्टिकल है उसको सॉर्ट करना है। सिंथेसिस इज ऑल अबाउट एग्जामिन द कंटेंट फॉर इट्स रिलेशनशिप एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। इट इज ऑल अबाउट सॉर्टिंग द लिटरेचर on the basis of topic, on the basis of method, on the basis of theme, on the basis of variable that has been selected for our research, on the basis of tool that has been selected for our research. Synthesis is all about comparing and contrast the content by asking similar sort of questions. Synthesis is about examine for the relationship among the literature, relationship among the selected variable. यहाँ पर हमें जो अवेलेबल लिटरेचर है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो भी सैंपल सिलेक्ट किया गया है, मान लीजिए कि हम फिजिकल एजुकेशन फील्ड की बात करते हैं, तो जो भी सैंपल सिलेक्ट किया गया है सेम कंडीशन में, सेम ट्रीटमेंट में, सेम कैरेक्टर के जो भी सैंपल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि दो अलग अलग स्टडी में कॉन्ट्रास्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इट इज अबाउट कि वहां पर हमें ये जो कॉन्ट्रास्ट रिजल्ट मिल रहे हैं ट्रीटमेंट सेम होने के बावजूद भी वो क्यों मिल रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट सिंथेसिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग क्रूशियल गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में आमतौर पर हम जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी हमारे रिसर्च टॉपिक है उससे जुड़े हुए जो भी स्कॉलरली कंटेंट अवेलेबल है उसका सर्वे करते हैं। हम उसके जो भी ओवरऑल क्रिटिकल लिटरेचर अवेलेबल है हमारे प्रॉब्लम से जुड़े हुए उसको फाइंड आउट करते हैं, और जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी समरी, उसका क्रिटिकल इवेल्युएशन शामिल करते हुए जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी जिस किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं उसका पास्ट के साथ क्या रिलेशन है, उसका प्रेजेंट के साथ कंटेम्पररी क्या उसका सिग्निफिकेंस है और कहाँ पर हमें फर्दर रिसर्च की जरूरत है, ये सारी इंफॉर्मेशन को सिंथेसिस करने का कार्य जो है इट इज इंक्लूडेड इन द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। सो इन दिस पार्ट ऑफ अवर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। एज वी नो दैट जब भी हम कोई एकेडमिक रिसर्च की बात करते हैं तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारे इस सेशन के अंदर हम जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव्स है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम एकेडमिक रिसर्च की बात करते हैं
तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेप हो जाता है कि जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से आखिर जब भी हम अपना रिसर्च प्रोजेक्ट का कंप्लीशन करते हैं वहां पर हर एक स्टेप के अंदर हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है और हर एक स्टेप के अंदर हमें यूजफुल होता है। जब भी हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करते हैं तो उसका जो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की सबसे पहली जो बात है वहां पर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें हेल्प करते हैं। हम जानते हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले जो भी रिसर्चर है उसने जो भी अपना रिसर्च एरिया है वो सिलेक्ट किया है तो पर्याप्त मात्रा में लिटरेचर एकत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। उस लिटरेचर की माध्यम से, उस रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के माध्यम से वो सही तरीके से जो फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज कंट्रीब्यूट कर पाए, कोई सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन हो पाए, उसके लिए अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हेल्पफुल होता है। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि एज ए नोविस स्कॉलर हम जब भी कोई फील्ड के अंदर कोई टॉपिक के ऊपर रिसर्च शुरू करते हैं तो हम अवेयर नहीं होते हैं कि पास्ट में कौन कौन से वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए, कौन कौन से रिसर्च प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए रिसर्च है वो हो चुके हैं। एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि कभी कभार क्या होता है कि जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने से इट इज ऑल अबाउट री इन्वेंटिंग व्हील अगेन एंड अगेन, है ना। तो ऐसा ना हो कि जो एट द एंड ऑफ द डे हम अपना रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट करें और सोसाइटी के अंदर, हमारे फील्ड के अंदर उसका कुछ कंट्रीब्यूशन ना रह जाए, तो ऐसा ना हो उसके लिए भी जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है उसके एग्जामिनेशन, उसकी स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया हुआ है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में रिसर्च हो पहले हो चुके हो और वहां पर जहां पर रिसर्च गैप है, जहां पर रिसर्च की आगे जरूरत है, वही वाला रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हम अपना रिसर्च है वो कंटिन्यू करें। अगर हम जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर उसके बारे में डिस्कस करें तो हमें जिस टॉपिक के ऊपर जो भी प्रॉब्लम हमने सिलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो वर्तमान परिस्थिति के अंदर अवेलेबल नॉलेज है, उसकी जानकारी हमें रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से हासिल होगी कि जिसके अंदर जो भी हम पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कार्य करने वाले हैं वहां पर हमें हर एक स्टेप के ऊपर हेल्पफुल होगी। उसी के साथ साथ जो कंटेम्पररी, कभी कभी क्या होता है कि कोई एक रिसर्च टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं और उससे मिला जुला ही टॉपिक है वो अराउंड द वर्ल्ड या हमारे फील्ड में कहीं पर भी हो रहा है, तो कंटेम्पररी रिसर्च जो हो रहे हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमें गाइड करने के लिए या हमारे जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने के लिए। तो कंटेम्पररी रिसर्च की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से हासिल होगी। फिर कभी कभी क्या होता है कि जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है हमें हमारे सिलेक्ट किए गए हुए वेरिएबल के ऊपर ही स्टिक ना होते हुए हमारे जो प्रॉब्लम है उससे जुड़े हुए, उससे जो एलाइड एरियाज है, एलाइड रिसर्च प्रॉब्लम्स है, उसको भी समझना अच्छे तरीके से जरूरी है ताकि हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ पाए और साथ ही साथ में हम अच्छे तरीके से जो रिसर्च गैप है उसको फुलफिल करते हुए अपना जो रिसर्च वर्क है वो जस्टिफाई कर पाए। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हमें जो हमारा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। फिर जो एक कोई भी हम एकेडमिक रिसर्च की बात करें या कोई भी रिसर्च की बात करते हैं तो वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक स्टेप है इट इज अबाउट डेवलपिंग हाइपोथेसिस, है ना। जब तक हम अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस डेवलप नहीं कर लेते हैं, अच्छी हाइपोथेसिस फ्रेम नहीं कर लेते हैं, हमारे रिसर्च को एक डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो जो हमारे रिसर्च टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया है, जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने सिलेक्ट किया है, उसकी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की स्टडी से हम अपने प्रॉब्लम से जुड़े हुई जो हाइपोथेसिस है उसको अच्छे तरीके से फ्रेम कर पाएंगे और हमारा जो आगे का रिसर्च है वो अच्छे तरीके से हम कंटिन्यू कर पाएंगे। उसी के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ऐसी मेथड को यूज करते हैं कि हमारे रिसर्च के नेचर को ध्यान में रखते हुए हमारी कौन सी मेथड है
एक्सपेरिमेंटल है, सर्वे है, बहुत सी है। हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है फिलहाल कि हम रिसर्च मेथड के बारे में डिस्कस करें। तो जो भी रिसर्च मेथड्स हैं, कौन सी अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड मेरे इस रिसर्च प्रॉब्लम को जस्टिफाई करेगी, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई नया रिसर्च जब शुरू करते हैं तब हमें क्लियर रिसर्च फ्रेमवर्क हमारे सामने नहीं होती है, तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जो वो रिसर्च फ्रेमवर्क है उसको डेवलप करने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेप है आगे, इट इज अबाउट सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल टूल। हम चाहे क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, हम चाहे क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, हरेक के अंदर हमें अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल टूल जो है वो अप्लाई करना जरूरी है। अनलेस एंड अंटिल वो टास्क हमारा अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो हमारे पूरे रिसर्च का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, हमारे पूरे रिसर्च जो है वो सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, जो हमने मेथड चूज किया है, जो हमने रिसर्च का फ्रेमवर्क तैयार किया है, उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल टूल कौन सा है उसकी जानकारी और उसके सपोर्टिंग जो भी आइडियाज है वो भी हमें रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से हासिल होते हैं। फिर उसी के साथ साथ हमारे प्रॉब्लम से जुड़े हुए जो भी रिजल्ट है उसको कंपेयरिंग करने के लिए या उसको फाइनलाइज करने के लिए भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्प देता है। सो इन दिस पार्ट ऑफ अवर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोर्सेस ऑफ द लिटरेचर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि ऑल हायर नॉलेज इज गेन बाय कंपैरिजन एंड रेस्ट बाय कंपैरिजन ओनली। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जॉन ड्राइडन करके है जिन्होंने ऐसा कहा है कि कोई भी नॉलेज जो हम एक्वायर करते हैं वो कंपैरिजन से हासिल होता है। तो हमारे पास जो भी अवेलेबल लिटरेचर है उसको हमें जो भी फॉर्म में वो अवेलेबल है उसको कंपेयर करना, उसको सही तरीके से शॉर्टलिस्ट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसको कर लेने से हम अपना रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का जो कार्य है वो इफेक्टिव तरीके से कर पाए। तो जब भी हम एकेडमिक पर्पस के लिए सोर्सेस ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं तो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन ओवरव्यू है, फिर लाइब्रेरी सोर्सेस है जिसके अंदर बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, रिसर्च रिव्यूज हैं, कार्ड कैटलॉग्स हैं, इंडेक्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, बिब्लियोग्राफीज हैं, उसके अलावा माइक्रोफिज रिप्रोडक्शंस हैं, और आजकल जो आप हम सब जानते हैं कि इंटरनेट रिसोर्सेज है एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो जाता है। तो ये सारे जो भी लिटरेचर के सोर्सेज हैं वो हमारे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के जो स्टेप है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेज है वो साबित होते हैं और बहुत ही इफेक्टिव वे में हम इसको यूज कर सकते हैं। जब भी हम लिटरेचर के सोर्सेज की बात करते हैं तो उसी के साथ साथ लिटरेचर के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ लिटरेचर है वो उसको डिस्कस करना और उसको समझना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। टाइप्स ऑफ लिटरेचर के अंदर बेसिकली क्रिटिकल लिटरेचर एंड एलाइड लिटरेचर, इन दो भागों में हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अवेलेबल लिटरेचर है उसको डिवाइड करते हैं। जो क्रिटिकल लिटरेचर है वो लिटरेचर है कि जो हमारे रिसर्च के साथ, हमारे रिसर्च के विषय के साथ सीधा संबंधित हो। इस तरीके के लिटरेचर को पूर्ण अध्ययन की समीक्षा के रूप में हमारा जो भी वर्क है उसके अंदर शामिल किया जाता है। जबकि जो एलाइड लिटरेचर है वो अध्ययन में शामिल किया जाता है लेकिन हमारी जो हमारा पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक है या हमारा फील्ड है वहाँ पर हमें जो उसकी प्रीफेस है या उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है या हमारे जो भी सिलेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम है उससे जुड़े हुए अलाइड जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे को हम एलाइड लिटरेचर के अंदर इंक्लूड करते हैं। लिटरेचर के सोर्सेज और टाइप्स ऑफ लिटरेचर को समझने के बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण स्टेप है वो है बेसिक लिटरेचर सर्च स्ट्रेटेजीज, जो आमतौर पर हम प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए अपने रिसर्च वर्क में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे क्या करना है कि हमारा जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा रिसर्च स्टेटमेंट है, जो प्रॉब्लम है उसको लिख लेना है, उसी के साथ साथ उस प्रॉब्लम से जुड़े हुए जो भी सेकेंडरी सोर्सेज है
हमारे जो रिसर्च गाइड है या जो हमारे मेंटर है उसके साथ उसको डिस्कस करना भी जरूरी है। नेक्स्ट जो स्टेप है, इट इज अबाउट डिटरमाइनिंग द डिस्क्रिप्टर्स। उसको हम कीवर्ड्स के तौर पर भी समझ सकते हैं, हमारे जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे जुड़े हुए कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और हर एक कीवर्ड्स को डिटेल में समझना भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आता है, इट इज सर्चिंग द प्राइमरी सोर्सेज। और हम प्राइमरी सोर्सेज को एक्सप्लोर करने के बाद जो हमारा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है उसको स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ अवर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइटिंग रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। देर आर सर्टेन स्टेप्स, देर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स विच नीड्स टू बी फॉलो बाय राइटिंग रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। सो हम नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस सेशन का, उसके अंदर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को जब हम लिखते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सी हमारी ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है कि जो उसमें इंक्लूड की जानी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसकी जो मेन बॉडी है वो होनी चाहिए कि जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड हो जाए, और एट द एंड ऑफ द रिव्यू We must include summary and conclusion of that particular work. जब भी हम हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको उसके लिए हम रिव्यू और रिलेटेड लिटरेचर लिखते हैं तो उसके अंदर हमें सर्टेन स्टेप्स हैं फॉलो करने चाहिए, सर्टेन देर आर सर्टेन क्रूशियल इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। तो उसके अंदर सबसे पहला है कि जो मेजर रिसर्च टॉपिक है वो हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर शामिल किया हुआ होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो हमारा रिसर्च से जुड़ा हुआ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है उसको भी आइडेंटिफाई करना और उसको हमारे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के अंदर इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब हम अपना जो रिसर्च है, जो हमारा प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया है, उसका महत्व भी साइमल्टेनियसली हमें जस्टिफाई करना जरूरी है। फिर बहुत बार क्या होता है कि जो नोवी स्कॉलर होते हैं, जो पहली बार रिव्यू करते हैं या पहली बार एकेडमिक रिसर्च को परस्यू करते हैं, वो क्या करते हैं कि जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है उसको सभी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो गलती ना करते हुए उनको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे रिसर्च टॉपिक से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ उसी को, जो हमारे रिलेवेंट प्रॉब्लम है उसी को हमको अपने रिव्यू के अंदर इंक्लूड करना है। हमें ये भी बहुत ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमने जो भी वेरिएबल्स इंक्लूड किए हैं, सपोज मान लीजिए कि हम फिजिकल एजुकेशन के फील्ड से हैं तो उसका एग्जांपल लेते हुए डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि हम फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट या मोटर कंपोनेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, या हम कोई पर्टिकुलर गेम के जो प्लेयर्स हैं सर्टेन लेवल जो खेल चुके हैं उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो भी वेरिएबल्स हमने सिलेक्ट किए हुए हैं हमारे प्रॉब्लम से जुड़े हुए, उस सभी के जो रिव्यूज हैं, उस सभी के जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको सभी को इंक्लूड करना जरूरी है। और उसी के साथ साथ जो भी वेरिएबल हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उसके एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है और क्यों हमने ये पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं वो अपने रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर सिलेक्ट किए गए हैं, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। फिर एक बहुत ही हेल्पफुल स्टेप ये हो जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं, स्कॉलरली रिसर्च पेपर होते हैं, वो पढ़ते हैं और उसको अलग जगह पे स्टोर करते हुए जाते हैं या अलग जगह पे उसको सेव करते हुए जाते हैं। लेकिन हमें ये प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि जिस जिस तरीके से हम अपने रिसर्च के अंदर, हम अपने एकेडमिक रिसर्च के अंदर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ हमें अपना रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की राइटिंग का जो वर्क है वो कंटिन्यू करना चाहिए और साथ साथ में ही हमें उसको लिखते रहना चाहिए। उसके लिए जरूरी जो भी साइटेशन या बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो साथ ही साथ में हमें उसको मेंटेन करना चाहिए, ताकि जब हम अपना रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का काम है वो कंपाइल करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मिस आउट ना हो जाए और जो भी हम साइटेशन या बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हो उसको एक्यूरेट तरीके से इंक्लूड कर पाए। जब भी हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिखते हैं तो देयर वी नीड टू फॉलो सर्टेन ऑर्डर। जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी हमारे रिसर्च मेथड जो हमने यूज किया है या जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम का नेचर है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का वर्क कंपाइल करते हैं
तो सर्टेन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हमें उसको लिखना चाहिए ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल हो पाए और हमारा जो भी रिसर्च वर्क है उसको जस्टिफाई कर पाए। तो उसके अंदर सबसे पहला जो है वो है टॉपिकल ऑर्डर, उसको हम वेरिएबल ऑर्डर के तौर पर भी जानते हैं, जिसके अंदर जो भी हमने अपने प्रॉब्लम से जुड़े हुए जो भी वेरिएबल्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमने सिलेक्ट किए हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके उसको वेरिएबल ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है। जो सेकंड हालांकि इतना यूज नहीं किया जाता है, लेकिन साइटेशन डिटेल्स के लिए और बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस के लिए हम पब्लिकेशंस और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करते हैं। आमतौर पर जो बहुत ही अच्छे तरीके से जिसको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, इट इज़ अबाउट मेथोडोलॉजिकल ऑर्डर, है ना, कि जो भी मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, ऐसा हो सकता है कि बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे क्रूशियल मैटर्स हैं, इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली हमारे रिसर्च से जुड़ी हुई ना हो, लेकिन कोई कोई जगह पे जो मेथड है वो हमारे जो प्रॉब्लम है उससे जुड़ा हुआ हो, तो वो जब भी हम इंक्लूड करते हैं तो मेथोडिकल ऑर्डर भी हम फॉलो करते हैं। उसके बाद जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये आमतौर पर खास करके यूज में लिया जाने वाला ऑर्डर है, कालक्रम के अनुसार कैसे कैसे उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं, कालक्रम के अनुसार किस किस हिसाब से जो रिसर्च की मेथड है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड किस तरीके से इवॉल्व की गई है, उसको जब हम अच्छे तरीके से राइट करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं, तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जो है दैट इज प्रॉब्लम कोज एंड सॉल्यूशन ऑर्डर, उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जो मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर फील्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम आया या क्या रिसेंट प्रॉब्लम था और उसका सॉल्यूशन क्या आया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन उस मैटर में फॉलो करते हुए हम लोग जो अपना रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है वो उस सीक्वेंस में उस ऑर्डर में लिखते हुए जाते हैं। जो नेक्स्ट है इट इज जनरल टू स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू जनरल। बहुत सी बार क्या होता है कि जो भी हमारा टॉपिक है उससे जुड़े हुए जो ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं और फिर हम नैरो डाउन अपने जो प्रॉब्लम है उसको करते हुए जाते हैं। तो इन दैट केस वी मे गो टू लाइक जनरल टू स्पेसिफिक, वाइस वर्सा, स्पेसिफिक टू जनरल ऑर्डर्स। सो व्हेन वी आर राइटिंग रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए उसकी जानकारी हमारे पास होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को कंपाइल कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए और हमारा जो प्रॉब्लम का सिग्निफिकेंस है उसको जस्टिफाई कर पाए। तो ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको इंक्लूड किया जा सकता है, तो उसमें सबसे पहला है कि जो भी हम रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर कार्य कर रहे हैं उससे जुड़े हुए बेसिक्स एंड फंडामेंटल थियरीज जो भी है उसको इंक्लूड किया जा सकता है, उससे पर्टिकुलर प्रॉब्लम और पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए फैक्ट जो भी है उसको इंक्लूड किया जा सकता है, साथ ही साथ में उससे जुड़े हुए जो वेल नोन ओपिनियन है जो हमारे रिसर्च से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर जो भी वेरिएबल हमने अपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद सिलेक्ट किए हैं उस वेरिएबल को हमें इंक्लूड करना चाहिए, उस वेरिएबल का क्या सिग्निफिकेंस है उसको इंक्लूड करना चाहिए, साथ ही साथ में वो जो भी वेरिएबल हमने सिलेक्ट किए हैं उसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी उसके मेथड है हमारे नेचर, हमारे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को जस्टिफाई करते हुए जो भी मेथड यूज किया जा रहा है या हमारे रिसर्च टूल्स जो भी यूज किए गए हैं उसको भी हम यूज इंक्लूड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए, दैट इज गैप अमंग द फैक्ट्स। जो भी अवेलेबल लिटरेचर है या जो भी अवेलेबल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहाँ पर रिसर्च गैप है, कहाँ पर नॉलेज गैप है, वो हमें इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि हम अपना जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है या जो भी हमारा रिसर्च एरिया है उसका सिग्निफिकेंस दर्शा पाए और उसको हम जस्टिफाई कर पाए। तो ये सारी चीजें जो है उसको हम अपने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के अंदर अपने स्टडी के नेचर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, दिस आर दी इंफॉर्मेशन दैट वी मे इंक्लूड इन द वर्क दैट वी आर राइटिंग ऑन रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर।
एट द एंड जब भी हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को कंक्लूड करते हैं, उसकी समरी जब हम कंक्लूड करते हैं, तो उस समरी के अंदर हमें तीन चीजें बहुत ही क्लियरली इंडिकेट करनी चाहिए, व्हाट हैज बीन डन, व्हाट हैज नॉट बीन डन एंड नेक्स्ट व्हाट नीड्स टू बी डन। ये तीन चीजें करने से हम अपनी जो प्रॉब्लम है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है, उसको जस्टिफाई कर पाएंगे और उसका जो सोसाइटी के अंदर, हमारे फील्ड के अंदर जो इम्पोर्टेंस है, उसको इंडिकेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपना राइटिंग ऑफ रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू समरी मेंशन करते हैं। जब भी हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के ऊपर कार्य करते हैं, देयर आर सर्टेन अफेक्टिंग फैक्टर्स, उसको समझना भी बहुत ही जरूरी है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहला जो फैक्टर है कि जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के ऊपर जब हम कार्य करते हैं तो असर करता है, वो है रिसर्चर का बैकग्राउंड। रिसर्चर का प्रेजेंट नॉलेज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ कौन कौन से उसका जुड़े हुए प्रॉब्लम की क्या उसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये जानकारी भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को समझने के लिए और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाती है। उसके बाद है नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, वो भी वन ऑफ दी अफेक्टिंग फैक्टर है कि जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का आउटपुट होगा उसको असर करता है। उसी के साथ साथ टाइम फ्रेम, अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अवेबिलिटी ऑफ पीयर, ये भी तीन ऐसे फैक्टर्स है कि जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को जब भी हम लिखते हैं, उसके ऊपर जब भी हम कार्य करते हैं, तो उसको असर करते हैं। नेक्स्ट इज देर आर सर्टेन प्रैक्टिकल थिंग्स। जब भी हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के ऊपर कार्य करते हैं, तो जो भी नोवीस रिसर्चर्स होते हैं, जो नोवीस स्कॉलर्स होते हैं, वो क्या क्या गलतियां करते हैं, कौन कौन सी कॉमन एरर नोइंगली और अननोइंगली हो जाती है, वो भी समझना जरूरी है ताकि वो उसको निगोशिएट किया जाए, उसको ओवरकम किया जाए। उसमें सबसे पहली जो कॉमन एरर जो अकर करती है, दैट इज जो भी हमारा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का वर्क है, उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज नहीं करना, वो कॉमन एरर है। उसके साथ साथ जो उसके क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं, जो प्रॉब्लम से जुड़े हुए, कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन जो क्रूशियल एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट हमारे प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उसको साइड में छोड़ दिया जाता है। और फिर जो नेक्स्ट है वो है, हम जो लेटेस्ट रिव्यूज हैं या जो लेटेस्ट स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं, पेपर्स हैं, उसको इंक्लूड ना करते हुए जो आउटडेटेड रिव्यूज हैं या आउटडेटेड आर्टिकल्स हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, तो भी जो जिस पर्टिकुलर टॉपिक को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं या पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा और हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर कभी कभार क्या होता है कि जो स्कॉलर होते हहैं वो बायस हो जाते हैं, वो अननोइंगली होते हैं, उसके सर्टेन लेवल के हिसाब से उसके जो प्रिजुडाइज हैं या उसकी जो भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, उसको ध्यान में रखते हुए कभी कभार क्या होता है कि जो ऑथर्स के वर्ड है उसको एग्जैक्ट में रिट्राइव करते हुए जो भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिखा जाता है, उसके अंदर जो भी एक्चुअल आउटकम है उस पर्टिकुलर रिव्यू का, उस पर्टिकुलर स्कॉलरली आर्टिकल का, उसको हम नहीं लिख पाते हैं। नेक्स्ट इज सही तरीके से जो भी रिव्यू हमने लिए हैं उसको हम अपने प्रॉब्लम के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, वो भी एक कॉमन एरर के अंदर इंक्लूड होता है। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइन है कि जो हमें हेल्पफुल होगी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के ऊपर वर्क करते समय। हमें सबसे पहला तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम ऐसा करते हैं, कॉमन एरर ये देखने को मिलती है, जो भी स्कॉलर्स होते हैं या कोई नोवीस रिसर्चर है, वो पहले जो भी आर्टिकल्स है, स्कॉलरली वर्क है, उसको रीड करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें ये करना है कि सिर्फ उसको रीड ना करते हुए हमें साइमल्टेनियसली उसको साथ साथ में लिखते हुए जाना है। उसी के साथ साथ हमें एक क्लियर टाइमलाइन भी सेट करनी बहुत ही जरूरी है। हालांकि ये क्लियर टाइमलाइन सेट करना तो जो भी हमारा एकेडमिक रिसर्च है उसके हर एक स्टेप के अंदर, हर एक लेवल के अंदर बहुत ही जरूरी हो जाता है, लेकिन फिर भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को
कंपाइल करने की या उसको कंप्लीट करने की एक टाइमलाइन सेट करने से भी बहुत अच्छे तरीके से हम अपना वर्क है वो कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज जब भी जो भी स्कॉलर है या जो भी रिसर्चर है उसको अच्छे रिव्यू को रिव्यू ऑफ लिटरेचर को अच्छे तरीके से राइट करने के लिए अच्छे तरीके से लिखने के लिए जो भी फैमिलियर टॉपिक है वहां से शुरुआत करनी चाहिए। हमारे पेडागोगी का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है कि इजी टू डिफिकल्ट। तो जो भी फेमिलियर टॉपिक्स है उससे अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम अच्छे तरीके से जो भी प्रॉब्लम से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से गेन करते हुए जाएंगे और हम अपना रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर वर्क है वो हमारे प्रॉब्लम के साथ जस्टिफाई करते हुए अच्छे तरीके से कंक्लूड कर पाएंगे। साथ ही साथ में जैसे पहले भी बताया कि जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी हम वर्क कंपाइल करते हैं अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए तो उसको साथ ही साथ में जॉट डाउन करना भी बहुत ही जरूरी है और जो भी इंफॉर्मेशन हमने जॉट डाउन की है उसको अच्छे तरीके से अरेंज करना भी बहुत ही जरूरी है और जो हर वक्त हर एक टाइम हमें अवेलेबल हो जाए। आमतौर पर आजकल के टाइम के अंदर हम लोग कंप्यूटर हमारे पास है, लैपटॉप हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाता है तो हम लोग वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर ये सारी डिटेल्स हैं वो इंक्लूड करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो जाने की वजह से जो एक्चुअल हमने 6 महीने पहले 1 साल पहले कार्य किया होता है वो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन जब हम कंक्लूड करने वाले हैं जब हम समराइज अपने वर्क को करने वाले हैं तो वो मिस आउट हो जाता है। तो ऐसा ना हो जाए उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हम पॉइंट्स हैं उसको जॉट डाउन करते हुए जा रहे हैं उसको हैंडी रखना और उसको अच्छे तरीके से कोई एक प्लेस के ऊपर अरेंज करना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। हम अपने सेशन के जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर सर्टेन रेफरेंस मैनेजर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जिसकी मदद से हम अपने जो भी रिसर्च वर्क के ऊपर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के ऊपर कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से अरेंज कर पाएंगे और अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि जब भी हम कोई भी एकेडमिक रिसर्च के ऊपर एकेडमिक रिसर्च वर्क के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल पर फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है, चाहे हम अपने सुपरवाइजर से या चाहे हम अपने गाइड के पास से चाहे हम हमारे जो भी कलीग है या पीयर्स हैं उसके पास से रेगुलर इंटरवल पर फीडबैक लेते रहे, उनके साथ डिस्कस करते रहे तो जो हमारे प्रॉब्लम से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही साथ में हमें जब भी हम लिखते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर या कोई भी हमारा रिसर्च वर्क का कोई भी पार्ट हम जब लिखते हैं तो वहां पर हमें लैंग्वेज एंड ग्रामर का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हमें ये भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि हमारा जो भी वर्क है उसको हम जो साइट कर रहे हैं या जो भी स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं स्कॉलरली पब्लिकेशंस हैं पेपर्स हैं उसके जो जार्गन्स हैं स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं है ना कि जो लेमन के लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाए या कभी कभी हमारे लिए भी समझना बहुत ही मुश्किल हो जाए ये ना होते हुए हमें उसकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को तो स्टिक रहना ही है लेकिन ऐसा ना हो जाए कि वो जार्गन का यूज है वो बहुत ही ज्यादा हो जाए कि जिसकी वजह से हमारा एट द एंड ऑफ द डे हम उसको समराइज करने में बहुत ही डिफिकल्टी आए या तो हमारा वर्क जो है उसको कंपाइल हो गया है और अगर हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं या हमारा वर्क है कहीं पे रीड हो रहा है तो जो सामने है जो भी ऑडियंस है उसको समझने में भी दिक्कत आए। तो हमें जहां तक हो हमारी लैंग्वेज है ग्रामर है और उसको रिफाइन करते हुए रहना चाहिए और जो भी जार्गन हम यूज करते हैं वो या तो वेल नोन होने चाहिए या तो स्पेसिफिक जार्गन हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो उसको लेमन लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो इन दिस पार्ट ऑफ अवर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द रेफरेंस मैनेजर सम ऑफ द टूल्स फॉर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कि जो हमारा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का वर्क है काफी स्ट्रेनियस है हम लोग जानते हैं उसको बहुत ही इजी वे में हम लोग अच्छे तरीके से कंपाइल कर पाएंगे और अच्छे तरीके से उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको समराइज कर पाएंगे। तो ऐसे टूल्स के अंदर हम लोग देखें कौन कौन सी टूल्स हैं या कौन कौन से ऐसे यूजर फ्रेंडली रेफरेंस मैनेजर्स हैं कि जिसको यूज किया जा सकता है। आजकल हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट और जो आईटी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारा डेटा अवेलेबल डेटाबेस अवेलेबल होने की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन है वो एम्पल अमाउंट में हम सब लोगों के पास पर्टिकुलर फील्ड में
अवेलेबल हो जाती है. देर आर सर्टेन ऑनलाइन सर्च इंजिन्स, प्लेटफॉर्म्स, टूल्स दैट कैन बी सर्व्ड एज अ रेफरेंस मैनेजर, कि बहुत ही हमारा जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को सेव करने का, सर्च करने का, उसको कंपाइल करने का वर्क बहुत ही ईजी हो जाता है. तो हम बेसिकली देर आर मैनी, बट हम यहाँ पर सर्टेन गूगल स्कॉलर्स हैं, गूगल सर्च है, फिर मेंडली है, जोटेरो है, पब मेड है, जिसकी वजह से हम अपना वर्क बहुत ही ईजी कर पाएंगे. उसके डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और उसके सर्टेन फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं. तो सबसे पहला है गूगल स्कॉलर. हम लोग जानते हैं कि आमतौर पर हम गूगल सर्च या गूगल सर्च इंजिन यूज करते हैं, तो बेसिक गूगल सर्च यूज ना करते हुए अगर हम गूगल स्कॉलर यूज करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही इजीली हम जो स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं, स्कॉलरली पब्लिकेशंस हैं, उसको हम सर्च कर पाएंगे. हम उसको पर्टिकुलर अपनी लाइब्रेरी के अंदर उसको सेव कर पाएंगे, है ना, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे. रिलेटेड वर्क है, साइटेशन है, ऑथर की डिटेल्स है, पब्लिकेशन की डिटेल्स है, उसके आधार पर हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे. फिर जो भी हम वर्क है वो सर्च करते हैं, स्कॉलरली आर्टिकल सर्च करते हैं, सेव करते हैं, उसको हम अपनी गूगल स्कॉलर की लाइब्रेरी के अंदर अच्छे तरीके से सेव किया हुआ वर्क उसको हम लोकेट कर पाएंगे और उससे जुड़े हुए जो भी आर्टिकल्स हैं, उसमें जुड़े हुए जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो भी हम अच्छे तरीके से सर्च कर पाएंगे. और हमारा जो सर्च, ऑनलाइन सर्च का जो टाइम है और ऑनलाइन सर्च की जो वर्क है वो भी काफ़ी ईजी हो जाएगी. साथ ही साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कौन कौन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं या रिलेटेड स्कॉलरली पब्लिकेशंस हैं, वो पब्लिश हो रहे हैं. उस पर्टिकुलर आर्टिकल को किसने कितनी बार साइट किया गया है, उसकी साइटेशन डिटेल भी मिल जाएगी. और साथ ही साथ में हम गूगल स्कॉलर के अंदर अपनी पब्लिक ऑथर प्रोफाइल भी क्रिएट कर पाएंगे कि जो हमारे लिए और जो भी रिसर्च उस पर्टिकुलर फील्ड में कर रहे हैं सभी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी. दूसरा जो ओपन सोर्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर द रेफरेंस मैनेजर, इट इज मेंडली. मेंडली के अंदर भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम हमारे टॉपिक से जुड़े हुए, हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और हमारी पर्सनल लाइब्रेरी के अंदर उसको सेव कर सकते हैं. उसी के साथ साथ मेंडली के अंदर सर्टेन फीचर्स भी अवेलेबल है कि जिसके अंदर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी भी ऑटोमेटिकली जनरेट की जा सकती है और हम वर्ड के साथ या दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर के साथ उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. साथ ही साथ में मेंडली कोलैबोरेशन का भी ऑप्शंस जो है उसमें अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम जिस कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो इंडिविजुअल ऑथर है वो उसके पीयर्स के साथ या उसके कंटेम्पररी ऑथर के साथ सर्टेन वर्क है या सर्टेन जो भी प्रोसेस है या सर्टेन प्रोग्रेस है उसको कोलैबोरेट कर सकता है और अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन वर्क ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. उसी के साथ साथ जो उस पर्टिकुलर पेपर है, उससे स्कॉलरली आर्टिकल है, उसके साथ जुड़े हुए और उससे रिलेवेंट जो इम्पोर्टेंट पेपर है उसको भी हम रिट्राइव कर सकते हैं, उस पेपर को भी हम इम्पोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो रिलेवेंट पेपर्स हैं उसको भी सर्च कर सकते हैं. और उसका सबसे बड़ा जो हेल्प होती है वो है हम उसको ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हैं और उसको ऑफलाइन पे अपने डेस्कटॉप वर्जन पे भी यूज किया जा सकता है. तो जोटेरो इज ऑल्सो वन ऑफ द रेफरेंस मैनेजर और रेफरेंस टूल की, जिसके अंदर सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर ही हम मेंडली की तरह और गूगल स्कॉलर की तरह सर्टेन फीचर्स है वो सेपरेट है, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसका यही है कि सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसको हमारे प्रॉब्लम से, हमारे रिसर्च आर्टिकल से जुड़े हुए सर्च कर सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. इजीली साइटेशन डिटेल्स अवेलेबल हो जाती है, उसको हम अपने जो भी रिसर्च वर्क से जुड़े हुए पेपर्स हैं या जो भी स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं और मेंडली में जैसे बताया उसी तरीके से हम उसको दूसरे ऑथर के साथ, दूसरे हमारे पीयर्स के साथ हम उसको कोलैबोरेट भी कर सकते हैं. एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है कि जो मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ. हम सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो भी डेटाबेस है उसके अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सभी फील्ड के रिलेटेड अवेलेबल हो जाती है.
वहाँ पर हमारा जो वर्क है या हमारा जो सर्च करने का जो टाइम है या जो सर्च करने की एफर्ट्स है उसको रिड्यूस करने के लिए हम बुलियन लॉजिक्स को कहीं कहीं जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एक पबमेड करके बहुत ही अच्छा डेटाबेस है, उसके अंदर ये बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करती है। और आमतौर पर जो भी बुलियन लॉजिक्स है बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एल्जिब्रा, और उसको जो भी हम कीवर्ड सर्च करते हैं उसको उसकी जो रिलेशनशिप है उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारा जो सर्च है उसको नैरो डाउन कर सकते हैं, हमारा सर्च है उसको स्पेसिफिक करते हुए अच्छे तरीके से हमारी जो भी रिट्राइव्ड इंफॉर्मेशन हम करना चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आमतौर पर जो बुलियन लॉजिक्स है उसको बुलियन ऑपरेटर्स के तौर पर भी जाना जाता है, और उसको एंड और नॉट, ये तीन बुलियन लॉजिक्स फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, और उसको जब भी हम यूज करते हैं तो हम उसको कैपिटल अपर केस में ही यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला बुलियन लॉजिक है या जो बुलियन ऑपरेटर है इट इज एंड। जब भी हम कोई दो अलग अलग सर्च टर्मिनोलॉजीज हैं या कीवर्ड्स हैं उन दोनों को इंक्लूड करना चाहे अपने सर्च के अंदर तो हम एंड का यूज करते हुए अपना जो भी सर्च है उसको नैरो डाउन कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग बोथ ऑफ दी सर्च टर्म्स। सेकंड इज और बुलियन ऑपरेटर। इसको हम जब भी हमें इंफॉर्मेशन ऐसी रिट्राइव करनी होती है कि जिसके अंदर एटलीस्ट कोई भी एक जो भी हमारी सर्च टर्म्स है, हम चाहे हम प्रैक्टिकल में भी उसको देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन में उसको नेक्स्ट पार्ट अपने सेशन के नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि मान लीजिए कि मैं वॉलीबॉल और फुटबॉल इन दोनों में से कोई भी एक टर्मिनोलॉजी सर्च करके इन दोनों में से कोई भी एक कीवर्ड सर्च करके अपना जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्राइव करना चाहता हूँ, उसकी सिमिलर टॉपिक्स है उसको रिट्राइव करना चाहता हूँ, तो ये बुलियन लॉजिक्स है उसको और यूज करते हुए मैं अपना जो भी सर्च है उसको रिफाइन कर सकता हूँ। नेक्स्ट बुलियन ऑपरेटर इज नॉट। इट इज बेसिकली यूज टू रिट्राइव अ सेट ऑफ फॉर्म्स और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच साइटेशन टू आर्टिकल कंटेनिंग स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज दैट इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब कि मान लीजिए कि मैं ओबिसिटी के ऊपर अभी सर्च कर रहा हूँ और मुझे फीमेल जो सब्जेक्ट है वो नहीं चाहिए, तो अगर मैं ओबेसिटी और फीमेल दोनों सर्च टर्मिनोलॉजीज जो कीवर्ड्स हैं उसके बीच में अगर बुलियन लॉजिक्स नॉट इंक्लूड करता हूं तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी से रिलेटेड सर्च इंफॉर्मेशन ही रिट्राइव करके शो करेगा, और जिसके अंदर फीमेल जो वर्ड है उसको उसको एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। सो इन दिस लास्ट पार्ट ऑफ अवर सेशन I am going to demonstrate some of the reference manager or tools which can be helpful for all of us while we are working on any of the research project, and it is so easy and user friendly that any of us can work on it and make our work easy. So these are the certain references which I have used to prepare all these resources, and at the end, thank you all.